हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्स ट्यूबर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अदानी विल्मर लिमिटेड आईपीओ ओपन होगा एज ऑन 27 जैन 2022 को एज ऑन थर्सडे, और क्लोज हो जाएगा एज ऑन 31 जैन 2022 को। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना है ₹14,170 का, लॉट साइज है 65 और प्राइस रेंज है ₹2,182 to ₹2,230। इसको प्राइस बैंड भी बोलते हैं। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको इस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ओपन मिल जाएगा। जरूर डीमैट अकाउंट ओपन करें और आईपीओ में इन्वेस्ट करें। अगर आपका फैमिली आपके फैमिली का भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है और डिटेल फिट करके आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फैमिली के नाम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में, अबाउट द अदानी विल्मर लिमिटेड। कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्टार्ट हुई थी, अदानी और विल्मर के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। इसके करेंट सीईओ और एमडी है अंशु मलिक। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ऑन 22 जैन 1999 अहमदाबाद गुजरात में, और इनका जो बिजनेस है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, लाइक एडिबल ऑयल्स, वीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर। एडिबल ऑयल जो है वो 71% ब्रांडेड पोर्टफोलियो है, और फूड और एफएमसीजी का 86% ब्रांडेड पोर्टफोलियो है। इंडस्ट्री एसेंशियल का 100% इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो है। और इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है और लीडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, और इनका जो पोजीशन है मार्केट में लीडिंग पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज, जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज है, मीन सप्लायर्स इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, एक्सटेंसिव पैन इंडिया बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स ऑल ओवर इंडिया इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है। फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस बोर्ड। आईपीओ के प्रमोटर की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी कमोडिटीज एलएलपी एंड लेटसेड पीटीई लिमिटेड, लेंसेस पीटीई लिमिटेड इनके प्रमोटर हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही दिख रही, मींस लॉस मेकिंग नहीं, लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2020, एज ऑन 31 मार्च 2021 और एज ऑन 30 सितंबर प्रॉफिट मेकिंग ही है। तो इनके टोटल रेवेन्यू की बात करें, जो इनका टोटल रेवेन्यू है लगभग 289 मिलियन है, 289,000 मिलियन है एज ऑन 31 मार्च 2019, और एज ऑन 31 मार्च 2020 इनका टोटल रेवेन्यू है 297,000 मिलियन, और एज ऑन 31 मार्च रेवेन्यू बढ़ के 371,956 मिलियन हो गया, जबकि 30 सितंबर 2021 में वो रेवेन्यू है 249,572 मिलियन। वहीं पर टोटल असेट्स की बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2019 116,000 मिलियन है, और 31 मार्च 2020 को 117,000 मिलियन है, और 31 मार्च 2021 को 133,266 मिलियन है, और एज ऑन 30 सितंबर 2021 179,000 मिलियन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है एज ऑन टिल 31 मार्च 2021 तक, जो एज ऑन 31 मार्च 2019 इसका प्रॉफिट है 3,755.21 मिलियन, वो इंक्रीज होके एज ऑन 31 मार्च 2020 4,608.72 मिलियन है, वापस इंक्रीज होके 27,276.49 मिलियन है। एज ऑन 30 सितंबर 2021 इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3,571.33 मिलियन। वहीं पर हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इशू ओपन हो जाएगा 27 जैन 2022, क्लोज हो जाएगा 31 जैन 2022 को। फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर, और इसका प्राइस बैंड प्राइस रेंज है ₹2,180 to ₹2,230 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट है 65 शेयर्स का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 65 शेयर्स है। लिस्टिंग दोनों मार्केट पे बीएससी और एनएससी पे। आईपीओ के टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन हो जाएगा 27 जैन 2022 को और क्लोज हो जाएगा 31 जैन 2022 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इशू हो जाएगा 3rd February 2022 को, रिफंड होगा 4th February 2022 को। कभी डिले भी हो सकता है रिफंड में, तो
उसमें डरिएगा मत। क्रेडिट ऑफ सेल्स टू डीमेट अकाउंट 7 फेब 22 को, और आईपीओ की लिस्टिंग जो डेट है वो है 8 फेब 22। आईपीओ का प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करके। इनके लीड मैनेजर हैं कोटक महिंद्रा, बोफा सिक्योरिटीज क्रेडिट, सुशी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेपी मॉर्गन, बीएनपी परिवास। और अगर आपको आईपीओ के लिए रेटिंग देनी है तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना, जैसे 1 पे क्लिक करेंगे अवफुल, 2 पे पुअर, 3 पे एवरेज, 4 पे गुड और 5 पे एक्सीलेंट। आपको ऐसे क्लिक करना है तो आपको थैंक यू का मैसेज मिल जाएगा और आप सभी रेटिंग यहाँ पे देख सकते हो, आज कितना मिला, कल कितना मिला या मंथ में कितना मिला ऑल। तो आप यहाँ पे अपना वोट दे के रेटिंग भी कर सकते हो। और ये कुछ एफएक्यूज है जो आप इसे देख सकते हो। और आप डीमेट अकाउंट पे, डीमेट अकाउंट के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको डीमेट अकाउंट पे ओपन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए और पैसे कमाइए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आईपीओ और शेयर मार्केट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, शेयर करना ना भूलें।